बच्चों गुड मॉर्निंग। प्राचीन भारतीय शिक्षा में वैदिक शिक्षा चैप्टर हम पढ़ रहे थे बच्चों। इसमें हमने वैदिक शिक्षा के गुण पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें कि विद्यारम्भ संस्कार, जब हम बच्चों को अच्छा ज्ञान देते थे और उस समय जो वैदिक काल में शिक्षा स्टार्ट की जाती थी उसे विद्यारम्भ संस्कार कहते थे। दूसरा हमारा था उपनयन संस्कार, जो इसमें इस संस्कार के द्वारा बच्चे को गुरु के पास ले जाना होता था। इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नंबर 3 हमारा समापवर्तन संस्कार। बच्चों इस संस्कार में से यह आशा है कि बच्चे जब अपनी शिक्षा समाप्त करके घर लौटते थे तब भारतीय समाज में जिस प्रकार की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर जो संस्कार किए जाते थे, उसी प्रकार से इस शिक्षा के ख़त्म होने पे, समाप्त होने पे भी संस्कार संपन्न किए जाते थे। इस अवसर पर संपन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहा जाता था। बच्चों इसमें 25 वर्ष की आयु में समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार के संपन्न होने के साथ ही साथ शिक्षार्थी शिक्षा पूर्ण करके गुरुकुल से विद्या लेकर घर वापस आते थे। इस संस्कार के साथ ही ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि पूरी हो जाती थी और यह युवक अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते थे। इसके बाद वो अपने गृहस्थ जीवन का को स्टार्ट करते थे। बच्चों यह संस्कार सामान्यतया दोपहर के समय संपन्न किया जाता था। इस अवसर पर जो शिक्षार्थी द्वारा स्नान करके नए वस्त्र धारण करके तथा उत्तम वस्त्र धारण किए जाते थे। भाई भात तैयार होकर के शिक्षार्थी गुरु के सम्मुख उपस्थित होते थे, उनके सामने जाते थे। इस अवसर पर गुरु शिष्य को मधुपर्क दिया करता था मधुपर्क दिया जाता था। इसके उपरांत सर्वाधिक रूप से गुरु द्वारा शिष्य को समावर्तन उपदेश दिया जाता था। इसके आधुनिक रूप से जैसे आजकल होता है विद्यालयों में दिया जाता है उसे दीक्षांत भाषा कहा जाता है, वैसे ही वैदिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत यह समावर्तन उपदेश के की तरह है। इसमें बच्चों को कहा जाता था हे शिष्य सर्वदा सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्यन के प्रसाद प्रमाद मत करना, जो अच्छे कार्य हमने किए हैं तुम उनका अनुकरण करना और उनको श्रद्धा से दान देना। तुम्हारा यही आदेश है तुम्हारे ये हमारा यही आदेश है, यही उपदेश है। बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपने हमसे सीखा है वो तुम्हें आगे जाके और लोगों को सिखाना है तथा ये बताना है और अच्छे काम करना और अच्छे उपदेश देना। इसी के अंतर्गत बच्चों आता है वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु तथा अवधि। बच्चों किस काल में किस अवधि में किस आयु में हमें ये शिक्षा प्राप्त करने का के नियम थे जो उस समय, वो इस प्रकार से थे। इसमें सामान्य रूप से 8 से 12 वर्ष की आयु में के मध्य में उपनयन संस्कार होता था। महर्षि मनु ने वर्णों के अनुसार उपनयन संस्कार को विभाजित कर दिया था, उसकी आयु को विभाजित किया था। ब्राह्मण को 8 वर्ष, क्षत्रिय को 11 वर्ष तथा वैश्य को 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार लेने की का की आयु निर्धारित की गई थी। मनु के अनुसार ही जो इसकी उच्च निम्न आयु की ये थी तथा साथ में जो उच्च आयु वाले बच्चे थे उनके ये भी कुछ नियम थे, जिसमें कि जो ब्राह्मण होते थे उनको 16 वर्ष की और जो क्षत्रिय होते 22 वर्ष में और जो वैश्य होते थे उन्हें 24 वर्ष में उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित की गई थी। वैदिक काल में
में बच्चों जो अध्ययन का काल निर्धारित था उसमें सामान्य रूप से उपनयन संस्कार जो थे वो बालक को 12 वर्ष तक अध्ययन करने में लगता था तथा विशिष्ट व व्यापक शिक्षा प्राप्त करने के उन्हें 36 वर्ष लगता था। 48 वर्ष बच्चों उनको आयु की तब भी शिक्षा प्राप्त होती थी जिसमें वह विभिन्न अवधि तक शिक्षा ग्रहण करके निवाए शिक्षार्थियों को क्रमतः स्नातक वाष रुद्र तथा आदित्य की उपलब्धियाँ प्राप्त की जाती थी। बच्चों ये 48 ईयर्स में की जाती थी। इस तरह से उनकी शिक्षा को इस आयु में डिवाइड कर दिया गया था, उसी के अनुसार बच्चों उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो बच्चे उसमें ये होते थे आपके शुद्ध होते थे उनको शिक्षा ग्रहण करने का उस समय पे अधिकार नहीं था। बच्चों इसी के अंतर्गत हम आगे करेंगे शिक्षा ग्रहण करने की का विशिष्ट वातावरण तथा अथवा विद्यालय। बच्चों ये हम कल करेंगे। थैंक यू।